हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं बहुत सारी आपको थ्योरम्स प्रूफ करा चुकी हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रूफ करवाऊंगी एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन इज इंटेग्रेबल। तो चलो बच्चों, इसका क्या मीनिंग है और इसे कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। देखो बेटा, एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन एफ ऑन द इंटरवल ए बी इज इंटेग्रेबल, ये आपको प्रूफ करना है। पहले हम ये देख लें कि मोनोटॉनिक का मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, मोनोटॉनिक के अंदर दोनों बातें आती हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन भी और डिक्रीजिंग भी। तो अगर कोई फंक्शन या तो इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग हो या इंटरवल ए बी में डिक्रीजिंग हो, तो हम उस फंक्शन को बोल देते हैं मोनोटॉनिक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो, दोनों तो होंगे नहीं कि इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटॉनिक। तो हम अपने प्रूफ के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन जो है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। अगर बाई चांस मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हुआ तो सेम थ्योरम माइनस एफ के ऊपर लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल बी प्रूविंग इट फॉर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। तो देखो बेटा, मैंने माना लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। तो हमारे पास पी कोई भी एक पार्टीशन लिया, जैसे हम हमेशा लेते आए हैं वैसे ही हमने इंटरवल ए बी का कोई भी एक पार्टीशन ले लिया। पार्टीशन मतलब हमने इंटरवल ए बी को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा, फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड है इंटरवल ए बी के ऊपर। अब बेटा बाउंडेड क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि पूरे सिलेबस में हम लेके चल रहे हैं कि फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड होगा इंटरवल ए बी के ऊपर। जब तक कि वो लिख ना दे क्वेश्चन में कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तब तक आप उसको मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल ए बी में। अगर फंक्शन ए बी इंटरवल में बाउंडेड है तो इसका मतलब वो हर सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। ठीक है, तो एफ इज बाउंडेड ओवर ईच डेल्टा एक्स आई ऑल्सो। अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री दोनों मिलेंगी ना उसको। तो स्मॉल एम आई को मैंने उसका लोअर बाउंड मान लिया और कैपिटल एम आई को मैंने उसका अपर बाउंड मान लिया। ठीक है, अब ये क्या है, ओवर ईच डेल्टा एक्स आई है और फंक्शन जो है आपका वैल्यू ले रहा होगा उसके ऊपर। तो स्मॉल एम आई कैसे मिल रहा होगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और कैपिटल एम आई मिल रहा होगा एफ ऑफ एक्स आई। देखो बेटा, जैसे सपोज कर लो ये फंक्शन ऐसे है, ये फंक्शन है मेरा एफ, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ मेरा एक्स आई माइनस वन है और यहाँ मेरा एक्स आई है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी एफ ऑफ एक्स आई, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। और स्मॉल एम आई ये है, कैपिटल एम आई मेरा ये है। ठीक है, ये इसके बाउंड्स हैं। तो स्मॉल एम आई किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और कैपिटल एम आई किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स आई। और ऐसा ही होगा क्योंकि एक्स आई माइनस वन छोटी वैल्यू होगी एक्स आई से, क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो छोटी वैल्यू पे लोअर बाउंड आ रहा होगा और बड़ी वैल्यू के ऊपर अपर बाउंड आ रहा होगा। ठीक है, अब बेटा कंसीडर करो यूपीएफ माइनस एलपीएफ। यूपीएफ क्या होता है, अपर डायरबॉक्स सम। एलपीएफ क्या होता है, लोअर डायरबॉक्स सम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है यूपीएफ की, आप सब इतना पढ़ चुके हो और ईमान, तो अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि यूपीएफ मतलब कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई का सम, और एलपीएफ का मतलब हो गया स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। ठीक है, ये तो हमने पहले दिन जब रीमान इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू किया था तब ली थी डेफिनेशन। मैंने इन दोनों समेशन को इकट्ठा कर दिया तो मेरा आ गया एम आई माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई। कैपिटल एम आई की भी वैल्यू डाल दो बेटा, स्मॉल एम आई की भी वैल्यू डाल दो। यहाँ से ये देखो, जहां मेरी पेंसिल है जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली थी, इन दोनों की वैल्यूज डाल दी तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे है डेल्टा एक्स आई। अब मैश क्या चीज होती है, मैश होती है लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल। तो डेल्टा एक्स आई कोई भी एक्स आई इंटरवल है और मैश भी लार्जेस्ट सब इंटरवल है, तो मैश भी हमेशा ही ग्रेटर होगा डेल्टा एक्स आई से। या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स आई हमेशा मैश पी से छोटा होगा, तो मैंने डेल्टा एक्स आई की जगह पे लेस देन मैश पी लिख दिया, तो मेरा ये पूरे की पूरी वैल्यू किससे आ गई, लेस देन समेशन एफ एक्स आई माइनस दिस मैश पी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस सिग्मा को खोल लूंगी। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ऊपर से उतार ली चीजें, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन ये वाली वैल्यू आ गई, पहले मैंने इसको उतार लिया नीचे। ठीक है, अब देखो ये सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन, इसको मैंने खोला, तो ये देखो मैंने यहाँ खोल के दिखाया हुआ है। पहले आई की वैल्यू वन डालो तो ये आ गया एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, फिर आई की वैल्यू टू डालो तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, फिर आई की वैल्यू थ्री डालो, ऐसे लास्ट में क्या डलेगी, आई की वैल्यू एन डल जाएगी। तो आप देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपके पास बचेगा क्या, एक लास्ट की वैल्यू और एक पहली वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास बच गया एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स एन मेरा क्या है, बी, और एक्स नॉट क्या था मेरा, ए था, ये तो हमने पार्टीशन में लिया था। तो मेरे पास आ गया एफ बी माइनस एफ ए, तो यानी कि ये पूरा सिग्मा का जो था ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, एफ बी माइनस एफ ए,
ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो मेरे पास आ गया यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन मेश पी एफ बी माइनस एफ ए। अब बेटा मैं क्या करूंगी, ये देखो मैं अपना डेल्टा लेती हूँ, लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बी सच दैट। देखो बेटा हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि अगर एप्साइलन गिवन है तो वी कैन फाइंड दी डेल्टा। तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बी सच दैट डेल्टा ऑफ एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन लेस देन एप्साइलन। ये मैंने क्यों लिया अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। देखो अब मेरा ऊपर वाली रकम पे वापिस आ जाए, ये जो है ना ए इक्वेशन, इसको मैं दोबारा से कंसीडर कर लेती हूँ। देखो कंसीडर ए, तो मेरे पास है यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन मेश पी एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, और मेश पी है मेरा लेस देन डेल्टा, ठीक है। देन फॉर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ ए बी हुज मेश पी लेस देन डेल्टा वी हैव, देखो मेश पी लेस देन डेल्टा डालो इसके अंदर तो क्या आएगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन, मेश पी की जगह लेस देन डेल्टा डाल दिया, डेल्टा एफ बी माइनस एफ ए आ गया, ठीक है। मैंने ये ऊपर वाली क्वेश्चन में डाला है, इस वाली में, ठीक है, यहाँ वाली क्वेश्चन में डाल दिया ये इसका नाम, ठीक। अब मैंने डेल्टा कैसे चूज किया हुआ है, मैंने डेल्टा चूज किया हुआ है एप्साइलन, ये देखो मेरा डेल्टा ये चूज किया था ना मैंने, यहाँ पे देखो डेल्टा ऑफ एफ बी माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन, यानी कि डेल्टा क्या है, लेस देन एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन, यही है ना, ठीक है। तो मेरा डेल्टा की वैल्यू डाल दी मैंने एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन, और ऊपर था मेरा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। देखो बेटा मैंने डेल्टा को लेस देन एप्साइलन बाय एफ बी माइनस एफ ए तो इसलिए लिया था कि वो यहाँ पे काट देगा, कि डेल्टा की वैल्यू डलते ही ऊपर से कट जाएगी। प्लस वन मैंने डिनोमिनेटर में सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि अगर एफ बी एफ ए के बराबर हो जाएगा, किसी भी कारण से अगर एफ बी एफ ए के बराबर आ गया, देखो ए बी के बराबर नहीं है बट फंक्शन की वैल्यू दोनों पे पॉइंट पे बराबर आ सकती थी, अगर एफ बी एफ ए के बराबर आ जाती तो मेरा जो है ये वैल्यू वन नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता। जस्ट टू अवॉइड दैट पॉइंट मैंने एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्साइलन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए जो है लेस देन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन होगा, ये होगा ना अभिषेक, देखो एफ बी माइनस एफ ए जो है इट इज ऑलवेज लेस देन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन, ठीक है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन लेस देन वन आ जाएगा, तो ये पूरा मेरा लेस देन वन आ गया। तो अब मेरे को पता है कि बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मैंने ये थ्योरम आपको प्रूफ कराई थी थर्ड लेक्चर में, पता नहीं सेकंड लेक्चर में, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डायरबॉक्स इंटेग्रेबिलिटी, या खाली इंटेग्रेबिलिटी भी लिख सकते हैं। अगर मेरा यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्साइलन आ जाए तो हमारा फंक्शन एफ जो होता है इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, कि मेरा जो मोनोटॉनिक फंक्शन है वो इंटेग्रेबल आ गया ए बी इंटरवल के ऊपर, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन इज इंटेग्रेबल, क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रूफ कराऊंगी कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, अभी मोनोटॉनिक कराया, अब कराऊंगी एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।